सबको, मैं हूँ आपका दोस्त मनीष और स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष पटेल में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी होंगे मस्त होंगे। मैं भी एक नंबर फर्स्ट क्लास दोस्तों। तो मैं आज आ चुका हूँ भिलाई के सेकंड हैंड शोरूम में और आज बहुत ही शानदार डील होने वाला है यहाँ पे बाइक का, जो कि स्पोर्ट बाइक होगा भाई सभी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फ्रेंड्स ऑटो में, तो भैया से बात करते हैं और लोकेशन का पता करते हैं और दुकान का भी नाम पता करते हैं। भैया अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम निखिल। निखिल, तो भाई ये दुकान के बारे में बताइए थोड़ा। पावर हाउस बसंत टॉकीज के जस्ट बगल में है ये जो लोकेशन है वो, और दुकान का नाम है फ्रेंड्स ऑटो। तो यहाँ पे आप आइए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई आज का स्टार्टिंग बाइक है KTM। चलिए इसका रनिंग प्लेट क्या है पहले पता करते हैं। क्या रनिंग प्लेट क्या है भैया इसका? ये 8000 चला है। ये मात्र 8000 किलोमीटर चला है भाई। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? ये भाई बाइक होने वाला है 1,55,000 का, और इसमें 2-4 हज़ार की गुंजाइश है डिस्काउंट होने की। और पेपर वर्क क्या है भाई, इसमें पेपर वर्क कैसे करेंगे? सब ओके है। तो ये फर्स्ट हैंड है कि फर्स्ट ओनर ये फर्स्ट ओनर है। और चलिए नेक्स्ट बाइक क्या होने वाला है? ये ड्यूक 17 मॉडल। ड्यूक 17 मॉडल, ये कितने सीसी का है? 200। ये 200 सीसी का होने वाला है दोस्तों। और ये क्या प्राइस होने वाला है इसका? 31। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कितना चला है ये लगभग? ये लगभग चला है अपना 37। तो भाई ये 37 मात्र इसका रनिंग पीरियड है। और ये भी फर्स्ट ऑनर है। फर्स्ट ऑनर, ये भी 17 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है और बहुत ही तगड़ा कंडीशन में है। अभी बाइक देख सकते आप लोग, जितने भी स्पोर्ट्स लवर है वो यहाँ पे आके जरूर डील करें भाई। ये है रहा दुकान फ्रेंड ऑटो। नेक्स्ट क्या होने वाला है अपना? ये R1। तो R1 ये कितना प्राइस होने वाला है इसका? ये 1,40 होने वाला भाई। और रनिंग पीरियड क्या है इसका? ये मात्र चला 55। ये मात्र चला भाई 55। और ये तगड़ा कंडीशन है भाई, अभी पूरा नया जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका मॉडल क्या बोले? मॉडल ये 19 का, 2019 मॉडल है, लेकिन भाई बवाल लग रहा गाड़ी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला भाई? R1 एक और है। और ये मॉडल क्या है? ये भी 19 का ही मॉडल है। और इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका भी 1,40 है। 1,40 प्राइस होने वाला है भाई। और कितना चला है रनिंग प्लेट आपको दिखाते हैं सीधा लाइव। ये मात्र चला 28। ये 28,000 किलोमीटर मात्र चला है। और देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पे भरोसेमंद दुकान है भाई, जो कि आपको हर एक रनिंग प्लेट को शो करके बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई? एक और R1 है, जो कि ये है ब्लैक कलर का। 21 मॉडल है इसका, और इसका रनिंग प्लेट आपको शो करते हैं। मीटर थोड़ा सा, अच्छा इसका मीटर थोड़ा सा लूज है, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग कितना चला होगा ये? ये चला है वही 40,000 के आसपास। 40,000 के आसपास मात्र चला है। और इसका मॉडल कौन सा? मॉडल 21 का। इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस 1,45 का। स्पोर्ट बाइक देख सकते हो आप लोग, ब्लैक कलर का है, बवाल लग रहा है और तगड़ा कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्या होने वाला भाई आज? RH 200। और यह होगा पीले रंग की। क्या भाई क्या बाइक है यार, जबरदस्त लग रहा है दिखने में। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, इसका मॉडल क्या है भाई? ये मॉडल 17। 17। तो इसका रनिंग प्लेट क्या है? इसमें पानी घुस लग रहा है। इसका बैटरी डाउन है। अच्छा बैटरी डाउन है। तो लगभग कितना चला होगा ये? 50-55। तो इसका मॉडल क्या बोले? 17 मॉडल। 17 मॉडल है भाई, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हर एक बाइक का जो पेपर वर्क है करा के देंगे भैया लोग, उसका हालांकि अलग से चार्ज लगेगा। पेपर वर्क का कितना चार्ज लगता है भाई? वो नाम ट्रांसफर करा के सब, ईएमआई में करा के सब 80,000। 80,000 तो देख सकते हो, 80,000 पूरा नाम हम ट्रांसफर करा कुरी के। उसके बाद में ये क्या होने वाला है आज का नेक्स्ट? ये मॉडल क्या है? ये मॉडल 15 है, 200 सीसी का है, देख सकते हो आप लोग, और बहुत ही तगड़ा कंडीशन में। और इसका प्राइस क्या होने वाला है भाई? इसका प्राइस मात्र 75। 75,000। तो मात्र 75,000 में देख सकते हो आप लोग ड्यूक देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पोर्ट बाइक में बहुत ही तगड़ा चल रहा है अभी ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड्यूक, नेक्स्ट अभी ड्यूक ही होने वाला है अपना। इसका प्राइस क्या होने वाला भाई? 1,20,000 रुपया इसका प्राइस होने वाला है। और इसका मॉडल क्या है? मॉडल इसका वो 18 का है, 2018 का मॉडल है। लगभग रनिंग प्लेट क्या है इसका?
आपका भी मीटर में पानी आ गया। अच्छा मीटर में पानी आ चुका है दोस्तों। ये मात्र चला 24, ये मात्र 24 हजार चला है। और यहाँ पे भाई बाइक उसमें भी पानी चला गया। और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बारिश होना शुरू हो चुका है। हम लोग अभी बारिश के मौसम में यहाँ पे बाइक डील आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। और जिसको भी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए वो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑटो में आए जो कि बसंत टाकिस के जस्ट बगल में ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट डील बताते हैं। आज का नेक्स्ट डील क्या होने वाला भाई? ये पल्सर से। पल्सर का मॉडल क्या है? पल्सर मॉडल 2017। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस है 50,000। मात्र 50,000 में देखिए पल्सर का जो भाई क्या तगड़ा डील होने वाला है। मॉडल क्या बोला इसका? मॉडल 2017 मॉडल में क्या यार, बहुत ही नया कंडीशन में, अभी फ्रेश कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है? उसके बाद एक और पल्सर। एक और पल्सर, ये कितना सीसी का है? ये 125। 150 का है, ये 150 सीसी का। देख सकते हो आप लोग पल्सर, इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस मात्र 60,000 रुपये। और मॉडल क्या बोले? मॉडल 2019 मॉडल है। और नेक्स्ट क्या होने वाला भाई? उसके बाद एक और पल्सर, एक और ब्लैक कलर का पल्सर है जो कि बवाल लग रहा है। देख लीजिए ब्लैक और व्हाइट में है, तगड़ा कंडीशन में है। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस 70,000। 70,000 मात्र। और मॉडल 2022 का मॉडल है। रनिंग पीरियड क्या है इसका? रनिंग पीरियड इसका रुको, ये चला है 25,000। 25,000 चला है। और जैसे कि इसका एवरेज क्या होने वाला है लगभग? एवरेज इसका 45। इसका 45। और उसका एवरेज क्या होने वाला है? उसका भी इसी 40-45। लगभग जितने भी पल्सर है 40-45 का एवरेज मिल जाएगा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट डील क्या होने वाला है भाई? अच्छा ये क्या है? 150 सीसी ना। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस मात्र 60,000। तो इसका रनिंग पीरियड? ये भाई 2019 का मॉडल है पल्सर, लाल कलर का है और ब्लैक कलर का, जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है दिखने में। तो ये मात्र 42,000 किलोमीटर चला है भाई, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई? ये क्या है? 220 पल्सर, देख सकते हो आप लोग। और इसका रनिंग पीरियड क्या है? बैटरी डाउन है। तो ये लगभग कितना किलोमीटर चला होगा? भाई मॉडल कौन सा है ये? वैसे ये मॉडल है 2018 का मॉडल है भाई ये। इसका रनिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होगा, कितना है? 39,000 मात्र। 39,000 किलोमीटर चला है ये और 2018 का मॉडल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई? इसका मात्र 65,000 होने वाला भाई प्राइस। एक और 220। और ये है भाई ब्लू कलर और ब्लैक कलर का, जो कि तगड़ा लग रहा है भाई, देख सकते हो आप लोग। और भाई अभी बताएगा इसका मॉडल क्या है। मॉडल क्या है भाई? ये मॉडल है 2016 का मॉडल है ये। और प्राइस क्या होने वाला है इसका? वही 60,000 प्राइस होने वाला है। और कितना रनिंग पीरियड है इसका? 45,000 किलोमीटर बस ये चला है। और उसके बाद नेक्स्ट होगा भाई पल्सर का ही 220 सीसी। और ये है आपका बैगन कलर का, क्या प्राइस होने वाला है भाई इसका? 70,000 मात्र। 70,000 में आपको पल्सर 220 देखने को मिल जाएगा। और इसका रनिंग पीरियड अभी दिखाएगा। ये पल्सर होने वाला है 220 सीसी का। और इसका प्राइस क्या है भाई? इसका 70,000 प्राइस है। और रनिंग पीरियड क्या है इसका? इसका 59,000। 59,000 तो इसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएगा ना? हो जाएगा ना। नेक्स्ट अपना कौन सा बाइक होने वाला है? बुलेट रॉयल इनफील्ड का बाइक होने वाला भाई। इसका रनिंग पीरियड क्या है? ये चला है मात्र 38 किलोमीटर चला है। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? 135। और इसका मॉडल क्या है? ये मॉडल 18 का है। तीनों एक ही मॉडल का है। कितना मॉडल? 2018। और ये भाई तीन यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का देखने को मिलेगा, जो कि तीनों सेम मॉडल है 2018 का। ये है ब्लैक वाला और ये है ब्लू वाला। इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका मात्र 41,000 मात्र। तो इसका रनिंग पीरियड क्या है? 140,000। तो भाई इसका प्राइस है 140,000 मात्र, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही तगड़ा कंडीशन में है अभी।
देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेकंड हैंड बाइक है जैसा, बहुत ही बवाल कंडीशन में। उसके बाद है ये अपना सिल्वर कलर का रॉयल इनफील्ड, इसका क्या प्राइस होने वाला है भाई? 1.45। तो इसमें रनिंग प्लेट क्या है? ये चला 50,000। 50,000 2018 मॉडल, और रनिंग प्लेट कितना बोले? 50,000। तो देख सकते हो ये भी तगड़ा बाइक है भाई। और ये जितने भी बाइक्स आपको देखने को मिलेगा ये सभी नया कंडीशन में देखने को मिलेगा, फ्रेश और ताज़ा तगड़ा है। कोई भी आपको लेने के बाद ये नहीं बोलेगा कि सेकंड हैंड बाइक है जैसा, सब नया नया कंडीशन में है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद आगे नेक्स्ट बाइक क्या होने वाला है? NS 200। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस मात्र 1,00,000। 1,00,000 रुपये मात्र पल्सर का 200, देख सकते हो आप लोग NS। इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल है 17 का मॉडल है। कितना चला है भाई ये चला है 62,120 किलोमीटर मात्र। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या होने वाला है? NS का देख सकते हो आप लोग, ये है 200cc का, ये भी ये पूरा ब्लैक कलर का है। इसका मॉडल क्या है भाई? 2018 का। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस है मात्र 90,000। इसका प्राइस भाई मात्र 90,000 है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही तगड़ा कंडीशन में है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? NS 160 भाई, ये अभी देखिए क्या लग रहा है यार, रेड कलर का है, रेड और ब्लैक का, और बहुत ही तगड़ा कंडीशन में है अभी, देखने में पूरा नया लग रहा है। इसका मॉडल क्या है, प्राइस क्या है बताइए थोड़ा सा? ये भी 19 का मॉडल है। 2019 का मॉडल है, और प्राइस क्या होने वाला है इसका? इसका प्राइस है मात्र 90,000। 90,000 कितना चला है ये रनिंग? ये चला है मात्र 31,000। 31,000 किलोमीटर मात्र चला भाई, देख सकते हो आप लोग तगड़ा कंडीशन में है, और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है भाई ये जो कलर है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है? NS 125। देखिए ये भी तगड़ा कंडीशन में है, और सब बाइक यहाँ का नया नया दिखाई दे रहा है अपने को। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है और कितना रनिंग प्लेट है बताइए भाई? ये 39,700 किलोमीटर। और भाई ये इसका रनिंग प्लेट हो गया, इसका मॉडल क्या है? ये मॉडल 2019 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है, मतलब देख सकते हो भाई मात्र 1 साल पुराना बाइक है, नया बाइक ही जैसा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला भाई? NS 125। देखिए ये 200 भाई क्या यार? ये 125। ये 200cc का है बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, अच्छा ऑनर लिखवाया था। ये कितना है? 150। 125 cc का है ये। और प्राइस क्या होने वाला है इसका? इसका प्राइस मात्र 1,00,000। 1,00,000 रुपया। तो जैसा कि इसका रनिंग प्लेट क्या है? ये मात्र चला है 7,000। 7,000 मात्र भाई, देखिए कितना कम चला है ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला भाई? NS 125। देखिए और इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस मात्र वही 95। कितना किलोमीटर चला है ये? इसका बैटरी डाउन लगभग बता दे रहा हूँ ना, ये चला है 51,000। 51,000 चला है ये भाई। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई? ये है लियो, और लियो का क्या प्राइस होने वाला है? 60,000 मात्र, 60,000 में लियो है। और इसका मॉडल कौन सा है? ये मॉडल 2020 का है, 2020 का मॉडल है। रनिंग प्लेट कितना है इसका? इसका 30,000 चला है। 30,000 चला है मात्र भाई, और देख सकते हो कितना तगड़ा कंडीशन में है लियो का गाड़ी। और पेपर वर्क हर एक बाइक का करा के देंगे भाई भाई लोग, और उसका अलग चार्ज लगेगा। तो उसके बाद आने वाला है अपना साइन, तो साइन कितना सीसी का है ये बताइए डिटेल? साइन का इसका मात्र 55,000 रुपये। और मॉडल कौन सा है ये? 2019 मॉडल है। रनिंग प्लेट क्या है भाई इसका? बैटरी डाउन। अच्छा बैटरी डाउन है। लगभग कितना किलोमीटर चला होगा ये? ज़्यादा नहीं चला है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट कौन सा अपना बाइक होने वाला है, फिर से साइन ही है जो कि रेड और ब्लैक कलर का। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है मात्र 50,000। इसका प्राइस होने वाला भाई मात्र 50,000। और देखिए कितना तगड़ा कंडीशन में है, और नया जैसा तो दिखाई दे रहा है। इसका मॉडल कितना है? ये मॉडल 2018 का मॉडल है भाई। और रनिंग प्लेट क्या है इसका? 31,000। नेक्स्ट अपना ये भी साइन ही है भाई, और ये ब्लैक और रेड कलर का है, देख सकते हो आप लोग। इसका प्राइस क्या होने वाला है भाई? 40,000। तो इसका जो मॉडल है वो कौन सा है? ये मॉडल 14 का। 2014 का मॉडल है, और देखिए कितना तगड़ा कंडीशन में है। आप जो नॉर्मल बाइक भी लेना चाहते हैं साइन वगैरह, वो यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंडीशन में भाई, ऐसा नहीं कि कंडीशन खराब है, ऐसा वाला बात नहीं, तगड़ा कंडीशन में है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होने वाला है? ये अपना
अवेंजर्स। देख सकते हो अवेंजर्स, एक बार पहले आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जय श्री राम भी लिखा हुआ है। तो इसका क्या प्राइस होने वाला बताइए भाई? इसका मात्र 90,000। तो मॉडल कौन सा है इसका? 2021 का मॉडल है ये। और इसका रनिंग पीरियड क्या है? मीटर में पानी आ गया। अच्छा, मीटर में पानी आ गया। लगभग कितना चला होगा ये? ये भी ज्यादा नहीं चला। अच्छा, बहुत ही कम चला भाई ये। और इसका भी हर एक जो बाइक है यहाँ पे पेपर वर्क टोटल करा के देंगे। जितने भी मैं यहाँ पे बाइक दिखाया हूँ सभी का पेपर वर्क करा के देंगे। और पेपर वर्क का एडिशनल कितना चार्ज लगेगा भाई एक बाइक का? इधर सामने आ जाइए सामने। हाँ, कितना लगेगा पेपर चार्ज उसको भी बता दीजिए थोड़ा सा। भाई 2500 रुपये माता, मतलब 2500 में पेपर वर्क करा के देंगे। और भाई यहाँ पे EMI का ऑप्शन है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पे IDFC बैंक का EMI भी आप ले सकते हो, उठा सकते हो बाइक को। कितना डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा कम से कम यहाँ पे? अच्छा, डाउन पेमेंट। अच्छा, उसके लिए आप यहाँ पे मैं नंबर दे दूंगा और एड्रेस भी लिंक में डाल दूंगा। तो आप भैया से कॉन्टेक्ट करके एक बार बात भी कर सकते हैं कि कितना कौन सा बाइक का क्या प्राइस है और क्या क्या डील होने वाला है। आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूंगा भैया का, उसमें बात कर लेना कि पेपर वर्क कितना लगेगा और जो कौन से किस्त में हम कितना दे सकते हैं, डाउन पेमेंट कितना लेगा, ये सब चीज़ बता देगा भैया। तो चलिए और भाई बाइक हो गया है। जितने भी अभी मैं आप लोग को बाइक दिखाया वो सभी बहुत ही तगड़ा कंडीशन, बवाल कंडीशन में था। तो भाई आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।